कितना प्यार लग रहा है ये। और ये राजभोग किसके लिए बड़े बड़े? अगर इतना प्यार बीवी से किया होता ना उपम और क्या कहते हैं बड़ा वगैरह उसे बनाओ चाहे मंगाओ क्या। तो आज हम बनाएंगे तोरी के कोफ्ते। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, मुझे लगता है कि अच्छे बनेंगे। सबसे पहले मैंने तोरी को छील लिया है, उसके बाद मैं उसे कद्दूकस कर रही हूँ। तो आपको छील के धो लेना है तोरी को, उसके बाद हम कद्दूकस करेंगे। और मैंने उसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है यहाँ पर। तो जैसे हम बिल्कुल लौकी के कोफ्ते बनाते हैं वैसे हम तोरी के भी कोफ्ते बनाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक ट्विस्ट डाल रही हूँ उसमें। मैंने यहाँ पर एक छिला हुआ आलू ले लिया है जिसे कि मैं कस रही हूँ यहाँ पर, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने तोरी को कसा है। आलू से ना आपके कोफ्तों में बहुत अच्छी सॉफ्टनेस आती है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर आलू डाल रही हूँ। मेरी मम्मी हमेशा कोफ्तों में एक आलू डालती हैं कस के इस तरीके से, तो बहुत अच्छा बनता है कोफ्ता, काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है आलू को तोरी के साथ। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसको ढककर छोड़ देंगे। नमक इसलिए जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर है उस वो इसमें से निकल जाए और हमारा जो बैटर है वो अच्छा बने बाद में। तो उसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अपने हाथ से नमक को यहाँ पर, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर कद्दूकस किया है। थोड़ा मोटा किया है तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं कोफ्ते। उसके बाद मैं इसे ढक रही हूँ यहाँ पर, ढके रख दिया है मैंने लगभग 15 मिनट। अब हम इसका पानी स्क्वीज़ करेंगे। पानी स्क्वीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इसका हाथ से, तो मैंने क्या किया कॉटन के कपड़े में इसको डाल के इसमें से एक्सेस वाटर निकाल लिया है। अब ये बिल्कुल सूखा हो गया है यहाँ पर। और अब हम इसमें मिलाएंगे बेसन और मसाले जो भी हमें ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर लगभग 4 से 5 चम्मच बेसन डाल रही हूँ क्योंकि तोरी है पानी ज़्यादा छोड़ती है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा हल्दी, मिर्ची, धनिया और थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया, हल्की सी सौंफ डाल दिया और 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ काट कर। आप चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसे फेटेंगे थोड़ी देर के लिए, लगभग 3 मिनट के लिए हमें इसे फेटना है। तो हमारे जो कोफ्ते हैं फूले फूले बनेंगे। आपको कोई भी बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। तेल गर्म हो गया, हल्का सा डाल के देखा, परफेक्ट है एकदम। तो बाकी बचे हुए कोफ्ते भी मैं इसमें एक एक करके डाल रही हूँ। आई थिंक मैंने इन्हें 2 बैचेस में बनाया था तो आराम से बन गए थे। ये सरसों का तेल लिया है मैंने, मैं रिफाइंड यूज़ नहीं करती हूँ। सरसों का तेल ज़्यादा डाइजेस्टिबल है इंस्टेड ऑफ रिफाइंड। तो मैंने इन्हें छन्नी पर डाल दिया है इस तरीके से और ये रेडी हो गए हैं। ये जो मैंने तड़का बनाया है इसमें सिर्फ जैसे हम नॉर्मल दाल के लिए तड़का बनाते हैं वैसा ही है, बस टमाटर ज़्यादा डाल दिया और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी। और उसको अच्छे से इस तरीके से मैं यहाँ पर चमचे से प्रेस कर रही हूँ जिससे टमाटर अच्छे हो जाएं। पानी डाल के मैंने इसे उबाल लगा के कोफ्ते डाल दिए, ऊपर से कसूरी मेथी डाल दी और ये रेडी हो गया हमारा कोफ्ता। मतलब बहुत अच्छे बने थे, मैंने देवेश को टेस्ट कराया, उन्हें बहुत पसंद आया। आपने पीछे वाली वीडियो में देखा ही होगा, रेसिपी रह गई थी तो मैंने शेयर कर दी, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, और आज गुड मॉर्निंग हो रही है हीरा स्वीट से, क्योंकि हमने अपने पति देव से कहा कि आज आप थोड़ा सा नाश्ता बना दें हमारे लिए। कैसे लाइट जलाई जा रही है तो इन्होंने ज़्यादा सुंदर लोग, मेरी सुंदरता चमक चमक के बाहर है। हाँ, डायरेक्टली मंगा दिया और थोड़ा बहुत नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये 4-5 लोगों के लिए है। इसने मेरे से बोला, है हम 3 ही हैं। इसने बोला कि आज मेरा मन नहीं है तो मैं कुछ बना लो, मैं ठीक है बताओ क्या खाओगे, इसने बताया मैंने मंगा लिया। अब इसमें बनाऊँ चाहे मंगाऊँ क्या, तो फिर ठीक है अगली बार से मैं भी बनाऊं चाहे मंगाऊं क्या फर्क पड़ता है। आई रिमेम्बर, तुम्हारे लिए मंगाऊंगी ना, हम अपने लिए बना के खा लेंगे। अपने लिए तो मैं खुद ही मंगा लूं। पहले बताओ क्या क्या मंगाया चाचा। तुम बड़ी खुश हो, चटोरा मंगाया पूरा। मैंने मंगाया अपने लिए डोसा, तुम्हारे लिए मंगाया मैंने पनीर पकौड़ा। खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ पनीर पकौड़ा। और ये राजभोग किसके लिए बड़े बड़े? ये जो तुम लास्ट टाइम मैंने अपने लिए मंगाए थे तुम खा गए थे सारे, तुम भी खा गए थे साथ में, आधा खाया था तो वो मैं अपने लिए एक मेरा और एक मैं खा सकती हूँ। मेरे में वजन और फैट दोनों कम है, मैं भी खा सकता हूँ। तुम में दोनों बड़ा हुआ है। ये गोले की चटनी, ये अपनी राज कचौरी, ये इसकी चटनी, अच्छा ये इसकी चटनी, ओके ये इसकी चटनी, ओके और ये अपना सांभर और ये अपना दही, ठीक है इसके लिए, ओके और ये दूसरी चटनी इसकी, डोसे लाल वाली, और इसके अंदर डोसा और उसका प्लेट रहे पूरा, मतलब इसके अंदर डोसा उपम और क्या कहते हैं बड़ा वगैरह वो सब। ये तुम्हारे वो है पनीर पकौड़ा जो तुम्हें खाना था। ओह माय गॉड। तो वो सब खाने के बाद ना जाने क्यों बहुत सूखा सूखा लग रहा था, तो मैंने अभी बनाया है नींबू पानी सबके लिए। और बनाते बनाते मुझे याद आया कि मम्मी तो नींबू पानी पीती नहीं है क्योंकि वो खट्टा होता है। स्विमिंग पूल बच्चों के लिए आता, बुड्ढों के लिए नहीं। और उसमें जो तैरेगा वो मछली की तरह तैर सकता है, मगरमच्छ की तरह नहीं। तुम लोग बहुत बदतमीज हो, तुम लोग जलते हो मुझसे, बहुत ज्यादा मुझसे जलते हो, बहुत ज्यादा जलते हो, मेरी तरक्की से जलते हो। तुम लोग ऊपर बैठे हो, मैं जमीन पे ठंडे में कैसे लेटी हुई हूँ। तुच्छ प्राणी है ना तू, इसलिए क्या
कुछ काम नहीं छुट्टी मांगने के अलावा। हर टाइम छुट्टी मांगता रहता, नहीं मांग रहा था छुट्टी हर समय लड़का। पता क्या, पता क्या कहता है, तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगा वो तो जाऊंगा ही जाऊंगा, और उसके अलावा अपनी छुट्टी अलग लूंगा। बता घूमना मेरा काम है, और ये कहता है सैलरी पूरी चाहिए। ये घर के कामों में रहता है इसलिए यहाँ पे लेट आता है आदमी। ये बच्चा नहीं था, ये सबसे समझदार बुड्ढा है, सफेद वाला। आज बाल भी कटवाने जाना, डैडी भी कटवाने जानी। बाल भी कटवाएगा भाई, आपसे बड़े हो गए, बाल लिए तेरे से, सफेद और उड़े हुए, और दिवेश के सिर्फ उड़े हुए, मेरे सफेद है, बहुत सारे मेरे तो देख रहे अपने अपने अंदर में कह रही है, इसीलिए तो मैं बालों में कलर करवा रही हूँ। दिवेश ने हाँ बोल दिया, दिवेश मुझे पैसे भी दे रहे हैं आज कलर करवाने के लिए, 100 पैसे कितना रुलाएगा यार तू एक कलर के लिए? मैंने कहा थोड़ी मना किया, जल्दी चलो 6,000 पैसे। अरे अगर तू ऐसा करेगा ना तो मैं महिला संगठन में बात करके मोर्चा खुलवा दूंगी तेरे खिलाफ। खुद कर सकते हैं ऐसे कलर्स के? अरे हाँ, पेस्टल कलर्स लिया हम खुद कर देंगे। आप ऐसे टाइटल लाना, माय बॉयज कलरिंग माय हेयर, बहुत चलेगा। मैं कलर लिया हूँ लॉरियल का, तुम लोग कर दो पेस्टल कलर। नहीं भाई कलर लेके हम चले करके, कौन कौन सा आएंगे, रंगोली बनाएंगे उसमें। सुना आज ऐसे ही मेरा मन नहीं है कुछ करने का, मेरे दिमाग खराब करो तुम दोनों। बाय बाय भाभी, संडे की छुट्टी कैंसिल करी। कुछ खाना है किसी को, मतलब कुछ ठंडा वंडा पीना है? इसको नहीं पीना, तुम्हें मैं लागे नहीं दूंगी। बाय। तो अभी मेरा एक कुरियर आया है ये, एंड मैं इसे अभी ऊपर लेके जा रही हूँ जब तक ये भैया आईडी स्कैन कर रहे हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप है ना यार, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इतनी धूप में आना। मैं गलती से नंगे पैर आ गई, मेरी बैंड बच गई, तो सारा दिन धूप में घूमते रहते हैं। तो चलो ये कुरियर ज़रा मैं रख देती हूँ, मैं सोची चलो ऊपर ही लेके चलती हूँ, मुझे कुछ काम भी है ऊपर, आई थिंक मैं फिल्म भी कर लूँगी अब वीडियो, मेरा सामान आ गया, चलो जल्दी चलते हैं। तो ये है हमारा आज का वीडियो सेटअप, मैंने ट्राई ऑन ऑलरेडी शूट कर लिया है, तो ये वाले कपड़े आज हम शूट कर रहे हैं, दिस इज़ फ्रॉम जुनिपर, और कुछ ज्वेलरी इस तरीके से फैली पड़ी हुई है। मुझे अभी एक अमेज़ॉन का वीडियो और शूट करना है, क्योंकि परसों हमें छाया के बर्थडे में जाना है, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। ऑल्सो हमें छाया का गिफ्ट लेने भी जाना है, तो उसका भी देखना है। बट आज का जो लुक है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पेशली आई लव दिस ब्रेड जो कि मैंने बनाई है इस तरीके से, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो मैं जल्दी से अभी शूट कर लेती हूँ और उसके बाद, वैसे मेरा आज मन नहीं था शूट करने का बिकॉज, तो आज पेट का सेकेंड डे है, तो मैंने सोचा था कि चलो आज थोड़ा सा शूट नहीं करूँगी, कम काम करूँगी, बट देन आई रियलाइज कि नहीं यार, बर्थडे में जाना है और कल भी हमें कहीं जाना है, आई थिंक ऋषिकेश हम जा रहे हैं मे बी, तो उसके लिए मुझे पहले ही एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो मैं वही कर रही हूँ, लेट्स जस्ट शूट द वीडियो नाउ। तो बीच में रूरू आ गई थी, बट आज का शूट थोड़ा सा डिले हुआ, एंड ये नेकलेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। एंड आज मैंने अमेजोन बेस्ट बाय शूट किया, लाइक आई एम लविंग दिस नेकलेस राइट नाउ, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत है ना, बहुत बेसिक है बट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलो जल्दी से चेंज करते हैं, एंड देन मुझे कुछ रील्स एडिट करने हैं, लेट्स एडिट दैट, एंड देखते हैं आज शाम को क्या करना है भाई, अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया। खाने का भी आपने देख लिया, आज तो कुछ बनाया भी नहीं मैंने, बट फिर मैं कोफ्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि आप लोग मैंने पिछले वीडियो में डाला था और मैंने बोला था कि मैं शेयर करूंगी, सो डेफिनेटली आई विल शेयर इट विद यू। तो चलो जल्दी से ये जो मेस है पीछे इसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा, बहुत लोग ना इस सोफा कवर के बारे में पूछते हैं, एक्चुअली ये मैंने अमेजोन से ही लिया था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लेना, बट हाय कितना प्यारा लग रहा है ये। रुरा नींबू, ये नींबू किसका है? ये तो रूरा का नींबू है। अरे बाबा, चिपका दो नींबू, चिपका दो पास में, चलो लो ये लो, चलो चिपकाओ जल्दी से, खाते नहीं नींबू, खट्टा नहीं है, चिपकाओ चिपका दो इसे, दिखाओ मम्मा बताएगी, ऐसे 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 ऐसे, देखो नींबू और बन गया नींबू, वाह। कुछ लोग कभी बड़े नहीं हो सकते, क्यों? तो कुछ लोग अपने फोन से इतना प्यार करते हैं भाई, अबे स्किन गार्ड लगा रहा हूँ उसमें, प्यार इतना प्यार, अगर इतना प्यार बीवी से किया होता ना तो बीवी भी चमक रही होती इस फोन की तरह आज। सब कहते हैं मैम आपका चेहरा उतर गया, बहुत डल डल लगते हो,
उन्हें क्या पता जब पति फोन से प्यार करता है बीवी से नहीं तो ऐसे होता है। अरे तुम क्या, तुम्हें क्या दिक्कत है? झूठ तो मत बोलो। झूठ नहीं कह रही, मैं बताऊंगी पापा को, तो ये पापा का सामान उठा के मैं फेंकूंगी सारा। देखिए मम्मा इतना झूठ तो मत बोलो पापा। डुरु अरे खरबूजा खाएगी? खरबूजा, खरबूजा मेरी डुरु का फेवरेट है पापा। डुरु मम्मी पास, मम्मा खा रही है तरबूज, रूरू को नहीं देगी, मम्मा रूरू को तरबूज नहीं देगी। रूरू तरबूज लो खा लो, आ जाओ आ जाओ। गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा करो माँ बैठ के। लो तरबूज, तरबूज खा लो, तरबूजा खा लो बेटा तरबूज। रूरी तरबूज आ जाओ, आ जाओ खा लो। एकदम परफेक्ट लगा है, एक भी बबल नहीं है ना इसमें। कहाँ होंगे बबल, बबल तो मेरे में बन गए हैं अब। तेरे में तो है, सही बात है, बिल्कुल सही। आज तुमने पहली बार तुमने कुछ अच्छा बात बोली आज। मेरे जब बबल फूटेंगे ना तो क्या होगा, तो क्या होगा, कोहराम नहीं कुछ और कहते हैं यार उसको, मैं वर्ड भूल गई यार। बहुत अच्छा डायलॉग आने वाला है, वर्ड तक याद नहीं रहते उसको, क्या रहेगा क्या करेंगे। बबल बन गए ना दिमाग में, वो फूट नहीं रहे हैं इसलिए दिमाग तक मैसेज नहीं जा पा रहा है। देखो दो दो फोन। तो ये राजभोग की चाशनी बची हुई है, दिवेश ने दोनों राजभोग खा लिए, किसी को नहीं दिए। भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मेरा कितना मन था राजभोग खाने का बट अकेले खा गया। कोई नहीं चाशनी से कुछ मीठा बना लेते हैं, क्योंकि मम्मी का मन कर रहा था कुछ मीठा खाने का। तो मैंने इसके अंदर लगभग 3 से 4 चम्मच आटा डाला है छना हुआ, और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे हम बनाएंगे मीठा चीला, क्योंकि राजभोग की जो चाशनी होती है उसमें इलायची का थोड़ा सा और थोड़ा गुलाब जल का फ्लेवर होता है, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ जिससे गुठलियाँ ना रह जाएँ। मुझे थोड़ा पतला लगा तो मैंने और आटा ऐड कर लिया इसके अंदर से, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं दोबारा से। वेल इस तरीके से आप बचे हुए गुलाब जामुन के जो चाशनी होती है उससे ये बना सकते हो, एंड बहुत सारी चीज़ों से बना सकते हो। थोड़ा सा मट्ठा डाल दिया है, कोई बेकिंग सोडा यूज़ नहीं कर रही मैं यहाँ पे। मट्ठे से क्या होता है कि अंदर इसमें जाले आ जाते हैं तो वो बहुत फ्लफ़ी बनता है। तो जब भी बेकिंग सोडा आप यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पे आप मट्ठा या फिर दही भी यूज़ कर सकते हो। तो मिक्स करके मैंने ये रेडी कर लिया है। अब हमारा पैन गया हुआ है मम्मी के यहाँ पे, क्योंकि उन्हें कुछ वीडियो फिल्म करना था। तो मैं अभी कढ़ाई में बना रही हूँ घी डाल के यहाँ पर, और मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है गोल गोल करके। पहला वाला जो चीला होता है ना वो कभी परफेक्ट नहीं बनता, बट दूसरे वाला एकदम मस्त बनता है। पहले वाले में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है यार, मेरे तो हमेशा होती है। आप मुझे बताना आपके साथ भी ऐसा होता है। दूसरा वाला एकदम परफेक्ट बना, तो ये वाला मम्मी को दे दिया मैंने, और पहले वाला मैंने और रूरू ने खा लिया था। तो एकदम मस्त बनाया। मैं इसे जनरली अचार के साथ खाती थी, तो आज मन नहीं था तो मैंने ऐसी खा लिया, एंड मुझे काफ़ी टेस्टी लगा है खाने में, एंड आई रियली लव्ड इट। और काफ़ी स्मूथ और अच्छा बनाया, एकदम प्यारा सा कलर आया ना इसका। फर्स्ट टाइम मीठा चीला। सो गाइज ये था आज का वीडियो, और इसी बेड पे मेरा बचपन बीता है। मैं यही सोचती थी जब मैं छोटी थी, तो मैं ऐसी, मुझे याद आ गया है देख के पीछे, स्पेशली ये शीशे में ही खेलती रहती थी देख देख के इनमें अभी के साथ। और मैंने अभी की खूब पिटाई की है इस बेड पे बिठा बिठा के, क्योंकि वो मुझे परेशान करता था। चलो ये कहानी मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगी। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वन।